तो इसमें जो हम पढ़ रहा है सबसे पहले क्या पढ़ रहा है, मिसाइल्स फॉर्मेशन। तो हम बात कर रहे हैं मिसाइल्स फॉर्मेशन की। मिसाइल्स फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो हमें पढ़ना है। तो मिसाइल्स फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जैसे सोप है, सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक और एक कौन सा होता है हाइड्रोफोबिक। जैसे कि सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव एंडिंग। तो ये कौन सा पार्ट है इसका, इतना ये पार्ट होता है इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक कौन सा होता है हाइड्रोफिलिक। ये वाटर के अंदर सॉल्वल है और ये वाटर के अंदर सॉल्वल नहीं। अब मिसेल्स फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आप लो कंसंट्रेशन लेते हैं किसकी, सोप की, फिर सोप से तो क्या करेंगे आप कपड़े साफ करें, डिटर्जेंट से करें, तो डिटर्जेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक कौन सा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो किस तरह से डिटर्जेंट मिसेल्स फॉर्मेशन करता है, जब आप लो कंसंट्रेशन लेते हैं किसकी, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर के अंदर क्या हो जाए, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के अंदर क्या होता है सॉल्वल होता है। तो नाम ही क्या उसका हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, फिलिक का मतलब क्या होता है लव। तो ये वाटर के अंदर सॉल्वल हो सकता है ये वाला पार्ट। एक कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाटर के अंदर सॉल्वल नहीं होता, तो अब बात करते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्व नहीं होगा कौन सा सही वाला पार्ट है। आपने जो वो है सोप है उसे डिस्पोज किया वाटर के अंदर डाला, तो पहले तो क्या होगा ये वाटर के अंदर तो कौन सा पार्ट जाएगा इसका। मैं इसे ऐसे प्रेजेंट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये मैंने किस तरह से बना दी, आप ध्यान दे रहे हैं तो क्या होगी कार्बन कार्बन को इस पर प्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो ये वाला जो पार्ट है वो बॉन्ड लाइन फॉर्मने वाला ये कैसा पार्ट है इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो कौन सा हाइड्रोफिलिक। ये वाटर के अंदर सॉल्वल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है पोलर, सॉरी नॉन पोलर, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे ऑयल, क्या ऑयल वाटर के अंदर सॉल्वल होता है नहीं, कैसा नेचर होता है उसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, और नॉन पोलर नेचर होने की वजह से जो ऑयल है वो वाटर के अंदर सॉल्वल नहीं होगा। वाटर में वही डिजॉल्व होगा जिसका नेचर कैसा होगा पोलर, यानी लाइट डिजॉल्व इन लाइट, ठीक है। अब जब शुरू शुरू में आप इसे यूज करेंगे मतलब कि आप सोप को डालेंगे, सोप जो पार्टिकल सो बाहर जाएंगे सरफेस पर, इस तरह की एक्सपेंशन होगी, क्योंकि सोप के अंदर सिर्फ कौन सा वाला पार्ट जा सकता है, सोप के अंदर जो पार्ट जाए वो कौन सा पार्ट जाएगा हाइड्रोफिलिक, जो डॉट है डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो बाकी है लाइन्स है उसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं हाइड्रोफोबिक पार्ट। शुरू शुरू में तो हाइड्रोफिलिक वाटर के अंदर क्या होगा सॉल्वर, बाद वाली हाइड्रोफिलिक सॉल्वर होगा वाटर के अंदर, लेकिन इसमें होता क्या जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले लेते हैं इसकी सोप, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये क्या बना देता है एक स्पेयर बन जाता है, किसके अंदर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, किसके अंदर स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है वाटर के अंदर। उसमें क्या होगा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाता है, कहां चला जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ। अब ये जो मैंने आपको सामने कंपाउंड बनाया सॉरी जो हमने स्पेयर बनाया है, तो स्पेयर के अंदर की तरफ क्या रहेगा हाइड्रोफोबिक, इधर की तरफ वाटर नहीं है, जैसे बबल्स होते हैं एक तरह से उस तरह से बनेगा, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप का वो कहां रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा अंदर की तरफ। और ये मान के चलो कि जो इस सरफेस है इस स्फीयर का क्या है सरफेस, उस सरफेस के साथ क्या अटैच है हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच है किसका सोप का, हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच है किसके साथ सोप के, जो ये स्फीयर दे रखा है उसके सरफेस के साथ कौन अटैच है हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच है किसका सोप का, और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां अटैच है अंदर की तरफ अटैच है। फिर क्या करेंगे आप, ये भी अंदर की तरफ इस तरह से, ये भी कैसा है इस तरह से अंदर की तरफ, ये भी कैसा है अंदर इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से। तो जो स्पेयर बन रहा है इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां चला गया स्पेयर के अंदर, और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहां है
वो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो कहाँ है, सरफेस पर है, किसके सरफेस पर, इस स्फीयर के सरफेस पर, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मिसेंस। जब अगर आप लो कंसेंट्रेशन लेंगे, अगर आपने सोप की लो कंसेंट्रेशन ली तो एक पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होकर भी क्या बना लेता है, C17H35CO- अलग हो जाएगा, एंटीपॉजिटिव क्या होता है, अलग। जब लो कंसेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन जब तुम हाई कंसेंट्रेशन लोगे इसी सोप की, तो इस तरह का एक स्पेयर बनेगा, और इसी स्पेयर को क्या कहते हैं, इस तरह का क्या बनेगा, इसके अंदर एक स्पेयर बनेगा, और जो स्पेयर बन रहा है इसे क्या कहते हैं, मिसेंस, क्या कहते हैं इसे, मिसेंस। तो मैंने तो एसोसिएटेड कोलाइड्स की आपको डेफिनेशन लिखवाई है, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, दोज कोलाइड्स इन लो कंसेंट्रेशन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज कोलाइड्स। तो जो मिसेल्स है वो किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड्स का एग्जाम्पल, कौन से कोलाइड का एग्जाम्पल रहेगा वो, जब आप किसी सॉलिड को किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, किसी सॉलिड को अगर हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, मिसेल्स का एग्जाम्पल आप कह सकते। इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल, इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल इट बिहेव्स एज, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट बिहेव्स एज एन एन इलेक्ट्रोलाइट, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट इन हाई कंसेंट्रेशन, बट इन हाई कंसेंट्रेशन ए स्पेरिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इट कैन फॉर्म्स, इट कैन फॉर्म, इट कैन फॉर्म विच इज कॉल्ड मिसेल्स, विच इज कॉल्ड मिसेल, देखिए विच इज कॉल्ड मिसेल, इन द मिसेल्स, इन द मिसेल्स, इन द मिसेल्स हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड, बट हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ स्फीयर, प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ स्फीयर। स्ट्रक्चर बना लिए, ये वाला स्ट्रक्चर बना देखना पड़ेगा आपको सेंस, बाकी तो और इतने स्फीयर वाला स्ट्रक्चर जरूर बना। एक था उसके अंदर क्या कहते हैं
ब्रिक्स आर्क मेथड और एक था उसके अंदर बेयर्स प्रोसेस। तो इसमें पूछा था, अब आपको देखना है जब मैं आपका करवाऊँ तो उसका आंसर क्या है, वैसी बात नहीं सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जो इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, पता चल गया। जब लार्ज साइज पार्टी होती है चेंज होती है, स्मॉल कोलाइड ब्रिक्स पार्टी में चेंज होती है। और कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, जब जो स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं चेंज होते हैं कोलाइडर ब्रिक्स। अब अगर हम नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आता है कि कैसे हम करेंगे। जैसे कि आपने घर में देखा होगा पहले क्या होती थी, चक्की होती थी, कैसी आटे पीसने के लिए चक्की घर पे यूज करते थे हम, किसकी होती थी स्टोन की, पत्थर की बनी होती। तो उसमें क्या करते थे, ऊपर से क्या डाला जाता था, अनाज डाला जाता था और वो उसे किसमें चेंज कर देता था, स्मॉल साइज पार्टिकल चेंज कर देते, घुमा देते उसे। लेकिन ऐसा ही कुछ किसके साथ है, ऐसा ही है कोलाइडर पार्टिकल्स के साथ। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, जिनके पार्टिकल का साइज 10^-6 से ग्रेटर होता है उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और अगर सस्पेंशन को क्या किया जाए, एक तरह से स्मॉल साइज पार्टिकल को कन्वर्ट किया जाए, उसको डिस्पर्श किया जाए यानी पीसा जाए, तो किसमें चेंज हो जाएगा, स्मॉल साइज पार्टिकल चेंज हो सकता है। लेकिन उसकी रेंज बनानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत स्मॉल साइज चेंज हो जाए। कोलाइडर रेंज होना चाहिए, कोलाइडर रेंज क्या होती है, 10^-9 से 10^-6 के बीच, इस बीच में पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। और करेंगे किस तरह से चेंज, आप जिस पार्टिकल का साइज 10^-6 से ग्रेटर है उसे किसमें चेंज करना है, 10^-6 से लेकर के 10^-9 में चेंज करना। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, कोलाइडर मिल का यूज किया जाएगा। कोलाइडर मिल जो मेथड हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि आप मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन क्या करते हैं, एक क्या लेंगे, मिल लेंगे, मील होती है, मील में क्या करते हैं, मील होगी किसकी, वो स्टील, उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे आप, सस्पेंशन। और वो सस्पेंशन क्या करेगा, उसे सस्पेंशन किसमें चेंज हो जाएगा, स्मॉल साइज पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो आपको सब पढ़ना है वो पढ़ना है उसके बाद पढ़ना है तुम्हें इसमें
स्मॉल साइज पार्टिकल
आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे कैन वेपराइज एग्जाम्पल क्या है इस एग्जाम्पल आ सकता है जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का कोलाइडर सॉल्ट बनाया जाता है, रेड ब्लड कलर का वो होता है, बनेगा कैसे? जब हम फेरिक क्लोराइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, फेरिक क्लोराइड मिक्स करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसके जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट है, अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन बिहेव करेगा, FeCl3, और क्या बना देगा वो, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडर सॉल्ट बना देगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरिक क्लोराइड इज मिक्स्ड इनटू द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो क्या आंसर बताए, क्या पेप्टाइजेशन अकर्स। पेप्टाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो कोलाइडर वो प्रेसिपिटेटों किसमें चेंज हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के रेड कलर के क्या बन जाएंगे हमारे पास, कोलाइडल सॉल्ट बन जाएंगे। कैसे बन जाएगा रेड कलर का, कोलाइडल सॉल्ट। तो एग्जांपल क्या होगा, व्हेन इन पीपीटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeCl3
इज मिक्स्ड, इट विल कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू द रेड ब्लड, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर कोलाइडल स्टोन, इसमें चेंज हो जाता है, ब्लड रेड कलर की कोलाइडल स्टोन में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिख लो इसको। तो अगर कोई भी ऐसा एग्जांपल दे रखा है जिसमें पीपीटी के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या बनेगा, हमेशा कोलाइडल सॉल्ट ही बनेगा, और मेथड कौन सा होगा, पैक्टाइजेशन, ठीक है ना। लिख लिया आप, नेक्स्ट वन जो हमें पढ़ना है, अब पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड्स, कौन से मेथड पढ़ रहे हैं आपको, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स कौन कौन से, वो समझो, केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड में कौन कौन से हैं, केमिकल मेथड में आपको सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना डबल डिकम्पोजिशन, कौन सा मेथड होता है, डबल डिकम्पोजिशन, आपने पढ़ी भी होंगी ऐसी रिएक्शंस, जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे, ऑक्सीडेशन हुई, डबल डिकम्पोजिशन हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, रिडक्शन हुई, ये मेथड आपको पढ़ने हैं, चार मेथड पढ़ने हैं, किसके लिए, ये 44 जो मेथड वो पढ़ने हैं आपको केमिकल मेथड में, किसके लिए पढ़ रही है मैंने, कोलाइडल सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो पहला मेथड कौन सा है, डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, पोजिशन मेथड, देखो इन दिस मेथड आर्सेनिक सल्फाइड, सॉरी ये लिखना, आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडल सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडल येलो कलर लिख लेना, आर्सेनिक सल्फाइड येलो कलर, इन दिस मेथड आर्सेनिक सल्फाइड येलो कलर कोलाइडल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, क्या किया जाता है इसमें, येलो कलर का आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्ट बनाया जाता है बाय द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो क्या बना देगा, AH2O3 साथ में H2S, क्या बना देगा AH2S3 साथ में क्या देगा H2, रिडक्शन मेथड में क्या करना, रिडक्शन मेथड तो रिडक्शन मेथड में क्या हो, इन दिस मेथड गोल्ड सॉल्ट इज प्रिपेयर, गोल्ड सॉल्ट इज प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन,
तो गोल्ड सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है किसकी हेल्प से, रिडक्शन की हेल्प से। तो गोल्ड सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होगा, सबसे पहले है SnCl2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं AuCl3 के साथ, क्या बनाते हैं SnCl2 साथ में क्या है गोल्ड। तीसरा उसके बाद हाइड्रोलिसिस, इन दिस मेथड हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ लो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप किसी की भी वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो इन दिस मेथड फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन सॉल्ट इज प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। क्या होना चाहिए, FeOH की ट्राइस एक्स में उसके बाद बाई ऑक्सीडेशन, ये क्या बना देगा H2O ये तो इन दिस मेथड सॉल्ट ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड। In this method, salt of sulfur is prepared by the oxidation of hydrogen sulfide. In this method, salt of sulfur is prepared by the oxidation of hydrogen sulfide.